नमस्कार, मैं मनोज सिंह लोटस टावर टीम में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अयोध्या में मौजूद हैं और हमारे साथ शुभम श्रीवास्तव जी हैं जो यहाँ पे एमएलए पद के प्रत्याशी हैं, और इन्हीं से बात करते हैं कि क्या इनकी योजनाएं हैं अयोध्या को लेकर और क्यों ये एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जी सर, नमस्कार, मैं शुभम श्रीवास्तव, मैं फैजाबाद का रहने वाला हूँ। मैं 14-15 साल से राजनीति में सबका सपोर्ट किया, और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे पूंजी आ रही है अयोध्या के विकास के लिए, कि एक कलर का रंग होगा, एक कलर का सब होगा, ऊपर से चूना लगा करके पोत दिया गया है, किसी में प्लास्टर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आता 600 करोड़ है, यहाँ पे 60 करोड़ लगते हैं, वो भी सारे वहाँ की नदी सफाई न, तो हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हम पर डे घूमने जाते हैं, देखते हैं कोई भी काम नहीं। और दूसरी चीज, कोई भी इंसान खुश नहीं है, सबको काम की और इस तरीके से सबको हटाया जा रहा है, घर छुड़वाया जा रहा है, लोग कह रहे हैं जिसको 6 गुना देना चाहिए उसको 2 गुना दे रहे हैं, बेहिसाब पैसा जा रहा है, सिर्फ नेता मंत्री इसका पैसा यूज कर रहे हैं, बाकी जो हमारे गरीब जिनका घर छीना जा रहा है उनको पूरी तरीके से उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ पे क्या कि सब लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ों को देख करके, बहुत ही लोग दुविधा में है कि क्या किया जाए, और सत्ता शासन की लड़ाई होती है, कभी ये जीतते हैं कभी वो जीतते हैं, और काम कुछ नहीं है। आम आदमी जो है उसमें पैसा चला जाता है जी, इसमें आम आदमी का ही नुकसान है। इसमें क्या है कि ये लोग कभी दिलासा देते हैं, कभी क्या देते हैं, अब सबका घर छीना जा रहा है, पूरा घर खाली हो रहा है, 20 किलोमीटर तक सारी रेंज खाली कराए जा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण 4 साल हो गया, अभी तक 20 तक 22 तक हो जाना था, अब 25 तक जा रहा है, अब ऐसे पता नहीं कितने साल तक कितने हजार करोड़ रुपये लग जाएंगे, ऐसे चलता हो। चलिए, ये तो एक ग्राउंड लेवल की जो आप बारे में बता रहे हैं, इसके अलावा रोजगार को लेकर सरकार कुछ कर रही है यहाँ पे? रोजगार को लेकर अभी तक हमारे हिसाब से कोई भी काम यहाँ पे नहीं, उत्तर प्रदेश में भी कुछ नहीं आया। रोजगार को लेकर के लोग परेशान हैं, पढ़ाई लिखाई करके बैठे अपने घर पे, कुछ भी नहीं हो पा रहा उनसे। जब भी ये स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, फीस जमा होगा 2 साल से, तो पूरा जब से बच्चे फीस जमा करते हैं 10 दिन बाद आ जाता है, आप घर पे रहिए, और फीस जमा करते ही कोरोना गायब हो जाता है, और फीस लेने के बाद कोरोना आ जाता है। अभी जो है आप युवा हैं और आप 14-15 साल से राजनीति में भी, आपकी आपका एजेंडा क्या है? जी, हम एरिया की आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पहले हम लोग जी जान लगा के पॉलिटिक्स के मतलब नेताओं के पीछे हम लोग जोर तोड़ लगा के चुनाव लेते हैं। हम देख रहे हैं कि हम लोग वैसे ही रह जा रहे हैं, और जो ठेकेदार जो बिजनेसमैन है वो आते हैं, वो अलग रूप से उभर जाते हैं, वो अपना प्रोफाइल बढ़ा लेते हैं, हम लोग उसी जगह पर रह जाते हैं। मेन कार्यकर्ता हैं, उनकी कोई पूछ नहीं है, उनकी कोई पूछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कितने लोग आ गए सपा से, कितने लोग आ गए बसपा से, उन्हीं को पदाधिकारी बना दिया जा रहा है, उन्हीं को टिकट दे दिया जा रहा है, हम लोग उसी बात ही जोड़ते रहे, रैली के पीछे लगे रहे। तो आप क्या एजेंडा है? हम ये चाहते हैं इस इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले आप यूथ को क्या देना चाह रहे हैं, जिससे कि लोग आपको लाइक करें, पसंद करते हैं, करते हैं, लेकिन हम ये देखना दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, जैसे मैं खड़ा हो सकता हूँ निर्दलीय, मैं इतने दिन मेहनत करके और निर्दलीय बिना किसी सपोर्ट के खड़ा हो सकता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ सब मुझे देख के ये सोचे कि हाँ, अगर अगला इंसान विरोध कर रहा है और वो खड़ा हो रहा है हमें अच्छा काम करने के लिए खड़ा हो रहा है, जो 600 करोड़ आए या 6 करोड़ आए, वो सारे चीज़ मैं यही लगाना चाहता हूँ। जमीनों में खरीद के जमीन नहीं रखना चाहता हूँ, ना तो कॉलेज बनाना चाहता हूँ अपना, मुझे जिस काम के लिए आ रहा है पैसा वहीं लगाने के लिए, मैं इसीलिए अयोध्या विधानसभा से। ये तो सभी का पहले सब लोग किसी भी होते हैं, ये चीज़ हो रही है, मैं आमद में कर रहा हूँ, लेकिन ये तो वही चीज़ें चलती आ रही है। कुछ अलग से आपको अपना हो कि आने के बाद मैं इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है अनएम्प्लॉयमेंट की, यूथ के सामने काम नहीं है तो सारी प्रॉब्लम है, काम होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, काम को लेकर क्या कुछ आपके दिमाग में कुछ बनना है? काम को लेकर के मैं खुद ही अपने क्षेत्र में, अभी तो मैं विधायक की ही दावेदारी कर रहा हूँ जी, अगर ऊपर वाले की कृपा रही मैं काम अच्छा करता हूँ, अगर कभी और अच्छे लेवल पर जाता हूँ तो मैं तो हमेशा यूथ के लिए और उनके रोजगार के लिए हमेशा दरखास्त करूँगा सरकार से कि उनको मिले, क्योंकि अगर उनको वो रोजगार पाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे याद करूँगा। तो साथ
उसमें ये मेरा शुभम जी थे, शुभम श्रीवास्तव अयोध्या से, वो भावी एमएलए के कैंडिडेट हैं यहाँ से और अभी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका प्लान है कि निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इनको अलग अलग पार्टी से भी ऑफर आ रहे हैं, लेकिन अभी इस पर सोच मंथन कर रहे हैं कि इनको जाना है कि नहीं जाना है, कि निर्दलीय ही जाना है। आपने इनको सुना, धन्यवाद।